मॉर्निंग गाइस, बिकवी जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, सैटरडे है, सुबह के 8 बज रहे हैं और काम आज इतना नहीं रहेगा। सैटरडे है, जाऊंगा काम पे तो, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, हाथ कांप रहे हैं। और पंजाब में ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। और ये 2-3 महीनों की तो ठंड है, उसके बाद तो फिर गर्मी, फिर एसी, फिर पतले कपड़े, तो इस चीज़ का आनंद भी ले रहे हैं। और अभी तो ठंड की शुरुआत हुई है तो मज़ा आ रहा है। बाकी सैटरडे है आज, कैसे रहेगा आप देख ही लो। तो अभी भाई शाम के 5 बज रहे हैं तकरीबन, और साग बन रहा है। मेरी बुआ को बहुत साग पसंद है और इसलिए वो कल आ रही है, कल संडे है, और उन्होंने ही ये कहा था कि भाई, क्योंकि यहाँ तो बनता रहता है, मम्मी पूरा अच्छे से, उनको बहुत ही अच्छे से साग बनाना आता है, और मुझे भी उनका ही साग पसंद है। मुझे बाहर का और किसी का भी साग पसंद नहीं है, मुझे उनका साग खाना ही पसंद है। तो वो बन रहा था, मैं लेकर आया था काम से आते आते, और अभी 5 बज रहे हैं और सैटरडे का अभी तक कोई प्लान नहीं है। मेरा दोस्त जो सतराज है, जिसको आप वीडियोस में देखते हो अक्सर, वो वायरल फीवर से जूझ रहा है, उसको वायरल फीवर हुआ पड़ा है, और उसको मेडिसिन वगैरह मैंने कही भाई अच्छे से लो, ध्यान रखो, अभी ठीक है लेकिन 1-2 दिन उसको रेस्ट करने में लगेंगे। तो मेरे यहाँ सच ऐसे प्लान्स तो रहते नहीं हैं कि वो बीमार है तो कोई और दोस्त, पर सर्कल बहुत छोटा है। खुश भी हूँ इस चीज़ से और मुझे ठीक है, मैं वो बंदा हूँ कि कम हो लेकिन ऐसे हो कि आपके बुरे अच्छे वक्त दोनों में आपका साथ दें। तो तकरीबन सूरज दादा भी अब छिप रहे हैं और ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। मैं कैप अब देख ही लो कि बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। तो ये सैटरडे तो ऐसे ही निकल गया, कोई वीकेंड प्लान नहीं रहा, तो बस अब देखते हैं आगे, कुछ एक्स्ट्रा अगर कर सकते हैं तो करेंगे, आपको बताएंगे फिर। घर वाले बोल रहे हैं भाई ऐसे कैसे डाइट करोगे तुम, एक जगह पर सरसों का साग बना है पंजाब में, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन विंटर्स, और दूसरी तरफ तुम ये ऐसा कुछ गंद पेल रहे हो। मैंने कल भी खाए थे, आज भी खा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी क्रेविंग्स को मिटाने के लिए करता हूँ, और जल्दी ही मैं अपनी डाइट पर जब आ जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कोई कसर ना छोड़ूँ, एक बार मन की तृप्ति हो जाए कि हाँ ये सब कुछ मैंने खा लिया और एक लंबे टाइम के लिए फिर मैंने इसको छोड़ना है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कुलचे छोले। रात के 8:15 बज रहे हैं और मैं एडम को घुमा रहा हूँ और मूंगफली खा रहा हूँ। सैटरडे आज ऐसा ही रहा, दोस्त होता तो साथ में कुछ प्लानिंग कर लेते बाहर चिल आउट करने की, लेकिन बस आज का दिन ऐसे ही था। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, जो भी कुछ चल रहा है वही दिखाऊँगा भाई, अब क्या करूँ। थैंक यू।